दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज जा रही हूँ संकटा माँ का दर्शन करने के लिए, क्योंकि उनकी कृपा से मेरा एक काम पूरा हो गया। मैंने मन्नत मांगा हुआ था, तो मैं सोची कि आज फ्राइडे है तो मुझे आज ही जाके दर्शन कर लेना है। तो मैं बस उन्हीं के लिए जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी मैं शेयर करूँ। तो थोड़े से रास्ते में ट्रैफिक है और इस तरीके से हम लोग पहुँच जाएंगे। और संकटा माँ बनारस की बहुत ही प्रसिद्ध एकदम शक्ति पीठ में है, उनसे कुछ भी मांगो वो पूरा हो जाता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं इतना ज़्यादा टेंशन में थी ना कि मैं क्या बताऊँ। ये संकटा माँ की जाने के लिए रास्ते की ये गली है, बनारस की गलियाँ तो आप जानते ही हैं कितनी पतली पतली हैं। और मैं मंदिर में पहुँच चुकी हूँ और मैंने प्रसाद ले लिया है नारियल और माला चढ़ाने के लिए। वहाँ माँ का दरबार लगा हुआ है और यहाँ पे एक कमरा जैसा बना हुआ है माँ के साथ ही। यहाँ पे लोग अपना बैठ के पूजा अर्चना माँ से बातें करते हैं, मुझे बहुत सुकून मिलता है यहाँ आके। आप लोग भी आइए माँ संकटा माँ के दरबार में और अपना माथा टेकिए, आप लोगों की सारी मन्नतें पूरी होंगी। फिर जैसे ही आप माँ के आंगन में आएंगे तो यहाँ पे नवग्रह का ये बना हुआ है और बरगद के पेड़ के पास है, और यहीं पे माँ की सवारी शेर जो माँ की रक्षा के लिए है। मान्यता है कि रात को शेर निकलता है, उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं और कहा जाता है इस तरीके से। और इन्हें पिंजरे में ऐसे बंद करके रखा जाता है, लोग बहुत से लोग डर भी जाते हैं। तो मेरी पूजा तो बहुत अच्छे से हुई, मैंने माँ से अपनी सारी बातें की, पूरे दिल की बात की। और दुनिया में दो ही लोग तो हैं, एक जन्म देने वाली माँ और एक ऊपर देवी माँ जो सब कुछ देखती रहती हैं, जिन्हें कुछ नहीं बताना पड़ता, छिपाना पड़ता, वो सब समझती हैं। तो आप लोग भी आइए यहाँ पे आके, अपनी पूजा अर्चना करिए, अपनी मन्नत पूरी करिए। ये मेरा 100% का गारंटी है कि आप लोगों की सारी मन्नतें पूरी होंगी। जय माता दी की, आप लोगों की सारी मन्नतें पूरी हों।